सर, और आपकी स्ट्रैटेजी से पहले डाउ फ्यूचर्स भी रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। जो शुरुआती सुस्ती थी आज सुबह की, वो पूरी रिकवर करके डाउ फ्यूचर्स अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि यूरोप के बाजारों में भी ठीक ठाक एक्शन है। थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी, बट अब वहां पर भी रिकवरी के संकेत हैं। लगभग सारे के सारे यूरोप के बाजार अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं। एशिया की बात करें तो जापान और चाइना पॉजिटिव क्लोज हुए थे। हांगकांग में 0.5% की गिरावट जरूर थी। तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं सर, थोड़े रिकवर हो रहे हैं और हमारे बाजार नए हाई पर हैं। बताएं क्या करना चाहिए। तो दीप, आपको याद होगा सुबह 9:08 पर हम यही बात कर रहे थे कि जब 15,725 के आसपास निफ्टी खुल रहा था, हमारा यही कहना था कि यहां भी लीजिए 15,675 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहां पर और ऐड कीजिए, नीचे आए तो डरिए मत। और 15,775 15,800 तक के टारगेट है। 15,773 का हाई बना चुका है, आज का लो 15,678 का। एग्जैक्टली अपने पहले सपोर्ट लेवल पर अगर आपने खुलते ही खरीदा है, पहले सपोर्ट पर खरीदा है, तो आप इस वक्त 50 से 75 पॉइंट के मुनाफे पे आराम से बैठे हैं। तो ये आपके लिए एकदम एंट्री पॉइंट परफेक्ट रहा। अब भी आप होल्ड करिए अपनी पोजीशन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी जब 35,450 के आसपास खुल रहा था, तो हमारा ये कहना था कि यहाँ इंतजार करें। 35,425 और 35,350 दो एंट्री लेवल है। आज का लो आप देख लीजिए 35,338 है। तो बैंक निफ्टी भी अपने एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पर, लेकिन 35,525 के ऊपर टिका नहीं है। अब बैंक निफ्टी में फ्रेश पोजीशन तो अभी तक तो दोनों ही अपने पहले सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं, पहले निफ्टी की बात करते हैं। मजे की बात देखिए, निफ्टी में 15,700 के लेवल पर पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, ऐसा कम देखने को मिलता है कि सीरीज में आप एक ही स्ट्राइक प्राइस पर पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें। 15,700 के पुट पर 45 लाख शेयर है, 15,700 के कॉल्स पर 39 लाख शेयर। और ये फंसे नहीं, बुरी तरह से फंस गए। कैसे? क्योंकि 15,700 के पुट में आज जुड़े हैं 27 लाख शेयर। पुट राइटर बहुत स्ट्रांग है। पहली चीज, अब आपके लिए आज बेस 15,675 15,700 हो गया, इसके नीचे बंद नहीं होगा बाजार, ये 100% है। पूरी संभावना ये है कि बाजार जोर लगाकर 15,825 की तरफ जाने की कोशिश करे। एक बार 15,800 पार किया तो बहुत तेजी से एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी, और वो इसलिए होगी दीप, करीबन आप 40 और 20 60 और 30 90 15,800 पार करते 90 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट हो जाएंगे। अभी ऑलरेडी 15,750 के ऊपर करीबन 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स, बल्कि 70 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट है। तो अब शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को गिरने नहीं देगी आज के लिए, और उसके ऊपर अब आपके लिए डाउ फ्यूचर्स बेहतर होते दिखे तो वो शॉर्ट कवरिंग में आग में घी डालने का काम करेंगे। इसलिए आपको निफ्टी को होल्ड करना चाहिए, एड करना चाहिए, नीचे आए तो और लेना चाहिए। 15,825 के टारगेट के लिए, डे टारगेट के हिसाब से यहां पर अब भी जगह है। और जिस तरह के डेटा बन रहे हैं, पूरी संभावना इस बात की लग रही है कि डे हाई की तरफ बाजार बंद होने की कोशिश करे, अभी तक डेटा से यह दिख रहा है। और एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स भी ले आए, जैसा आप कह भी रहे थे कि डाउ फ्यूचर्स थोड़े बेहतर होते दिख रहे हैं, हरे निशान में आते हुए दिख रहे हैं, देख लेते हैं वहां पर कितनी मजबूती, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि वाकई में मजबूती ज्यादा नहीं, सुस्ती है 5 मिनट, लेकिन नीचे से ऊपर आए। तो पहली बात तो ये होगी निफ्टी पे। तो आपके लिए सपोर्ट 15,675 15,700, ऊपर 15,825 ये रेंज। आइए बैंक निफ्टी। सिमिलरली जो हाल निफ्टी का है वही हाल बैंक निफ्टी का है। जो हाल निफ्टी में 15,700 का है वही हाल बैंक निफ्टी में 35,500 का है। 35,500 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है दीप, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर। सोचिए मजे की बात है, 35,500 के पुट पर 19 लाख शेयर है, कॉल्स पे 23 लाख शेयर है। फर्क सिर्फ इतना है, निफ्टी ने अपने इंपोर्टेंट लेवल से बड़ा ब्रेकआउट दे दिया 50-75 पॉइंट का, बैंक निफ्टी अब भी अटका पड़ा है। तो बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, इंतजार। कितना इंतजार? आज का हाई पार करने का। 3 बजे के पहले 35,550 नोट करके रखिए, एकदम अच्छे से बोल्ड लेटर्स में फिर से अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, इन्वर्टेड कॉमास में 35,550 स्पोर्ट लेवल बोल रहा हूं, अभी 35,500 चल रहा है। 35,550 के ऊपर निफ्टी निकल जाए बैंक निफ्टी और 3 बजे तक टिके, तो किसी के इनविटेशन का इंतजार मत करना कि खरीदना, क्योंकि आजकल बहुत लोग मुझे बोलते हैं आजकल आप बैंक निफ्टी पे कॉल नहीं देते हो, पहले इतने देते थे, अब कहां से, कहां कहां, एक 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 आदमी की बैंडविड्थ होती है, कहां कहां देख सकते हैं। कैश के स्टॉक्स में इतना एक्शन है, वो ज्यादा बैंक निफ्टी के मुकाबले में वो ज्यादा भागते हैं, वहां ज्यादा एक्शन होता है, वहां नहीं दो तो रुक जाओगे, तो इसलिए। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी बता दूं, अगर 3 बजे के पहले 35,550 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक गया, 35,700 35,800 आज ही दिख जाएगा। ऊपर के जो लेवल होंगे 35,650 35,725
35,800, इन तीन लेवल्स को आज ही आप देख पाएंगे अगर बैंक निफ्टी 35,550 के ऊपर आज हाई नया बनाकर 3 बजे के पहले टिक गया, और जिसकी संभावना पूरी पूरी बन रही है वो देखते हैं, लेकिन है 35,500 कश्मकश का लेवल, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बहुत क्लियर कट डेटा बन चुका है।